फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 वहां बैठे थे, मैंने कहा भाई ये मैसेज है इसका जवाब, का जी ये हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। तो मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला, तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है, और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो, और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं, आपका भाई। तो फौरन उसका मैसेज आया आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बात हो गई। फिर मैं था हांगकांग, तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में, आपको फोन कर सकता हूं, मैं आपको फोन कर सकता हूं, मैं हमेशा उसे अब भी मेरा फोन पर रब्ता, मैं पहले उसे मैसेज देता हूं मैं आपको फोन कर सकता हूं, अगर उसका जवाब ना आए फिर मैं नहीं करता हूं, कभी वो खुद कर लेता है कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर ले। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूं कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूं, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊंगा। तो ऐसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा या अल्लाह मैं कोई नहीं पीती थी ना। भाइयो मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। बुरे को बुरा कहना कौन सा मुश्किल काम है, बुरे का हाथ पकड़ कर सीने से लगाना, बुराई से निकालना, काम तो ये है।